ईडी सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जांच के दौरान ईडी को एक ब्लैंक डायरी मिली है और इस काली डायरी में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। 10 बजे के बाद अर्पिता और पार्थ से पूछताछ भी होनी है। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, फिर अर्पिता और पार्थ चटर्जी को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। कोड वर्ड का राज जानने की कोशिश जो है ईडी करेगी। ब्लैक डायरी बरामद हुई है और उसमें जो कोड वर्ड है उसका आखिरकार राज क्या है वो जानने की कोशिश ईडी करेगी। पूछताछ 10 बजे होनी है। पार्थ चटर्जी कोलकाता पहुंच चुके हैं, ईडी की टीम उन्हें लेकर आई है और पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी, फिर आमने सामने बिठाकर दोनों जो अलग अलग पूछताछ में सवालों के जवाब देंगे उसको लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। बिल्कुल श्वेता, और ईडी की पूछताछ में दोनों अलग अलग तो अब तक कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाए हैं जिससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट रहे हों कि इतना कैश कहां से मिला, इतने जायदाद और जो गहने मिले थे वो कहां से आए, जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें क्या कुछ है। तो अब देखना यही होगा कि जो ब्लैक डायरी मिली है इसमें इन कोड वर्डों का इस्तेमाल क्यों किया गया था, इनका मतलब क्या है, अर्पिता और पार्थ किस तरह से कनेक्टेड थे, किस तरह से उन्होंने इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया इस काली डायरी में एक एक कोड वर्ड को डीकोड कर आज ईडी कोशिश करेगी कि वो समझ सके किस तरह से इतने बड़े घोटाले को इन लोगों ने अंजाम दिया है। और इसीलिए दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। तो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि जांच के दौरान ईडी को एक ब्लैक डायरी मिली है और इस काली डायरी में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब ये कोड वर्ड आखिरकार इसका राज क्या है ये जानने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। हमारी संवाददाता तनुश्री हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी हमें देने के लिए। तनुश्री, बड़ा खुलासा आज ये हुआ है कि एक ब्लैक डायरी मिली है, कैसी डायरी है, इसमें किस किस तरह के कोड वर्ड्स पाए गए? देखिए, ब्लैक डायरी मिला है अर्पिता के पोजेशन में, वो अर्पिता की सीजन लिस्ट में है और उस डायरी में लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड द स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ईडी का यही प्रश्न है कि ये डायरी अर्पिता के पास कैसी है, और देखा जाए तो ईडी सोर्सेज से मालूम पड़ रहा है कि इसमें 40 पेज है और इन 40 पेजों में ईडी ने उनका रुख किया है। पर ईडी का कहना है कि ये कोड वर्ड में है। तो आज 10 बजे से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का क्वेश्चनिंग शुरू होगा और दोनों का अलग अलग क्वेश्चनिंग किया जाएगा, पर जरूर ये ब्लैक डायरी का मुद्दा भी उठेगा। वो लोग ब्लैक डायरी पार्थ चटर्जी के पास भी पेश करेंगे और अर्पिता के पास भी, क्योंकि देखा जाए तो जब अर्पिता को पूछा गया था कि उसके पास इतना 21 करोड़ के ऊपर पैसे कैसे आए तो वो चुप्पी साधी थी, वो कुछ बोली नहीं थी। तो इसीलिए ये ब्लैक डायरी का जो कोड है इसको तोड़ने के लिए आज ये ब्लैक डायरी अर्पिता और पार्थ चटर्जी को भी पेश किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये क्या लिखा है इसके अंदर। बिल्कुल तनुश्री, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।